जी गाइस, तो हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार और यहाँ पे घर पे ही हमें हो रहे हैं 8:30। अभी बस जल्दी से निकलना, सब नीचे पहुँच चुके हैं और मैं ऊपर अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने कहा आप तो पहुँचो, मैं आ रही हूँ। तो अभी बस जल्दी से मैंने आपको फुल लुक दिखानी है और उसके बाद हम उधर चलते हैं, ठीक है जी। चलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है दिन बारात का और मैं आपको मज़े की बात बता देती हूँ। 6:45 हो रहे हैं और आप लोगों को पता है बारात होटल में होती है और उसका क्या टाइम वगैरह होता है। और मैंने जस्ट अभी अभी शावर लिया और अभी मैंने सारा कुछ करना है, मतलब ए टू जी हर चीज़ करनी है। तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको अपने साथ रखते हैं, सारा कुछ दिखाते वगैरह हैं, जल्दी से तैयार वगैरह होते हैं। अभी बस ड्रेस की बारी है। ड्रेस की बारी में ना मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ आत्मा आती है। मैं कहती हूँ यार, शादीशुदा बहनों का इतना फ़ायदा है, आप यकीन करें। मेरा घर दिन नहीं लगता, मैं फातिमा की तरफ चली जाती हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं होते, मैं फातिमा से कपड़े लेने चली जाती हूँ। मेरे पास जूती नहीं होती, मैं फातिमा से जूती लेने चली जाती हूँ। मेरे पास मेकअप नहीं होता, मैं फातिमा से मेकअप लेने चले जाती हूँ। इवन मेरे घर लड़ाई हुई हो और मेरा घर रहने को दिल ना करे तो भी मैं फातिमा की तरफ चली जाती हूँ। तो शादीशुदा बहनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इन शॉर्ट, ये सारी कहानी के पीछे मैंने आपको ये बताना था कि आज भी मेरी फुल लुक, जितनी भी मतलब फुल लुक, मतलब आज के लुक में जो जो है ना, वो ईच और एवरी थिंग फातिमा का, जूती फातिमा की है, सूट फातिमा का, मेकअप फातिमा का है। इवन जिस स्ट्रेटनर से मैंने कर्ल्स या रोलर से मैंने कर्ल्स डाल लिया ना, वो तक फातिमा का है। तो बस अभी हम लोग आपको साथ रखते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल्स वगैरह देती हूँ। ओके सो एवरीवन, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। बस अब मेरे कर्ल्स रह गए हैं, वो जोरा आप ही डाल देंगी, वो भी अपना तैयार हो रही हैं। तो जब वो तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद वो मेरे कर्ल्स डाल देंगी। और आप लोग को एक चीज़ तो दिख ही रही होगी, मेरी इयररिंग्स प्यारे लग रहे हैं ना यार, सब कमेंट्स में बताना प्यारे लग रहे हैं या नहीं। और नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, पता है इसके बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बताने बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, पता है, मतलब आप लोग कमेंट्स में बताना। और अब बस आपसे रात के इवेंट पर मिलते हैं। ओके सो एवरीवन, आई एम रेडी, मतलब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। कर्ल्स मैंने नहीं डाले क्योंकि यू नो, जहाँ आपकी बहन ही ना तैयार हुई हो तो फिर वो आपको क्या ही कर्ल्स डालेगी। तो वो भी तैयार हो रही है उसके बाद, इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा है, मैं मेरे कर्ल्स नहीं डाली, लेकिन खैर है, स्ट्रेट भी बाल अच्छे लग गया। तो जी अभी हो चुके हैं 8 पूरे बज गए और अभी तक हम घर पे हैं, पता नहीं कब निकलेंगे हम घर से। और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, बाबा भी तैयार हो चुके हैं, बस ये जोरा भी रह गए, मामा रह गए और उस्मान भाई रह गए। इनका तो तैयार होना ख़त्म ही नहीं होता फिर भाई। चलो जी अब बारात में मिलते हैं। ओके गाइस, तो हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, ठीक है जी। कर्ल्स हमने डाले हैं और मेकअप हमारा, ये बहुत प्यारा सा एक दाना इधर एक दाना इधर, ये दाना नहीं है ये नज़र है, कि मुझे नज़र ना लग जाए। तो जी गाइस, ये अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार, सारे नीचे पहुंच गए, मैं वाहिद अकेली ऊपर हूँ आयशा के साथ। मैंने सबको कहा तुम लोग नीचे पहुंचो, मैं जल्दी से ना आ रही हूँ अपने बाल्स को कर्ल्स करके, और बाल कर्ल करने के बाद हम लोग बना रहे हैं वीडियो। ये आयशा, ये मैं, अभी बस जल्दी से आपको अपनी फुल लुक दिखाते हैं और बाकी सारी पिक्चर्स आके हम उधर लेंगे, ठीक है जी। चलो ओके गाइस, तो हम लोग निकल आए हैं, सफ़र हमारा हो चुका है स्टार्ट। ये है बाबा, ये है मामा, वो है उस्मान, ये है आयशा और ये हूँ मैं। अभी बस हम लोग जा रहे हैं वेन्यू की तरफ, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स वगैरह दिखाते हैं। मैं अपनी फुल लुक नहीं दिखा सकी क्योंकि एन मौके पे हमारी हो गई थी रिंग लाइट बंद। अभी बस हम लोग जाते हैं वेन्यू पे, वहाँ पे जाके सब कुछ दिखाते हैं, फिर आपको अपनी फुल लुक भी दिखाते हैं, ठीक है जी। चलो ये है हमारा वेन्यू आज का, ठीक है। अंदर चलते हैं, सारी चीज़ें वगैरह देखते हैं, आपको दिखाते हैं और बस चलते हैं अंदर। ओके जी, मैं आप लोगों को सोराबी का लुक दिखाती हूँ। मेरा मेकअप है और फ्रॉक दिखाऊं।
को। इतनी स्नेह है मैं, अब क्या तो जरा पीछे हो जरा बाल आगे करके पीछे हो जरा। माम तो मैंने ले लेने की, चलो पहले खाना खा लेते हैं, खाना खुल चुका है। अम्मी को देखते हैं अम्मी क्या कर रही है, वो जब से आई मैंने उनसे नहीं मिला, उनको पहले देखते हैं कि वो क्या कर रही है, फिर मैं उसके बाद खाना। ओके गाइस, तो मेन्यू आपको दिखाते हैं आज मेन्यू में क्या है। आपकी नहीं बना रही, इसकी बना रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारा गोश्त, नान, बोटले, बिरयानी और रशियन सैलेड, मेरा ऑल टाइम फेवरेट रशियन सैलेड। ये आसपास की गंदगी नोट करना है, अभी बस खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी ये भी यहाँ पे रशियन सैलेड खा रही है, कॉफी कैट। जहाँ भी रशियन सैलेड होते हैं ना, सबसे पहले रशियन सैलेड की खा रही आती है, मुझे सैलेड बहुत पसंद है। ओके आप, और इस तरह का तो बहुत ओके आप। और कुछ, इस लड़की का फोन नहीं चल रहा, कैसे फीलिंग आपकी? बंदा कब फ्लेक्स मार ले, कब तो मारा ही नहीं मैंने। बस अब ठीक करा लेना, मैं रोने लगने बंद करते हैं। गाइस आयशा की इतनी गंदी नजर मुझे लगी है ना, मेरे सारे कर्ल्स खुल गए हैं यार, मेरे बालों में बाल फट गया। कितनी गलत बात है, मुझे कहती यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जाके ना अपने बाल स्ट्रेट कर लो। अच्छा गाइस इसको छोड़ो अभी, हम गाइस नहीं नहीं मैंने कहा चलो ठीक है मैं ना अपने बाल को अभी गाइस हम लोग, लेकिन इससे अपने बाल खुद गाइस की और मैं ना इसकी शक्ल देख रही हूं, इसकी बकवास हो गई है खत्म गाइस। अभी हम लोग ओके गाइस, अभी जो हम लोग हो चुके हैं खाने से फ्री, अब हम जा रहे हैं चाय पीने और यहाँ पे पेठे का हलवा, ओए होए होए क्या मज़ेदार सा हलवा है, हलवा लेते हैं चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा चलो तुम यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, फिर दो मिनट ये एक एक करके बोल रहा सब यार चुप है ना, वीडियो में आना जल्दी सो जा पूरी रात देखेंगे क्या करना है ना, बहुत गंदा मतलब मैंने बता सकती बस बना लो पता है इनका नहीं मूड बनाने का, फ्लॉप लो गए। चॉकलेट में तो ध्यान से ध्यान से चले भाई, चलो बेटा आगे चले जी, चलो जी ओ माँ जी तकवा के चौक जी जी हमसे पूछे हम बताते हैं क्या चाहिए, हम ये पूछ के वो क्यों बताएंगे आपको, बड़ों से पूछे बड़ों से पूछे हमारा बच्चा खुद ही देगा अच्छा चाची अच्छा देगा कुछ ही देखना। ओके गाइस फाइनली प्राग केम टू एंड, अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस और यहाँ पे आज का ब्लॉग करते हैं एंड। बहुत छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा ब्लॉग बनाया है हमारी बहुत प्यारी दुल्हन उसकी बहुत प्यारी बहन के साथ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, फिर जी क्या बात है, फास्ट सर्विस है यहाँ पे हमारा, नाम पता है मेरा यहाँ पे जी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, हमारी प्यारी सी ब्राइड जा रही है, अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे। ये भाई मानू है प्यारी सी कुछ ही कू है, जाओ जैनी आप इसे मिलाओ, जैनी आप इसे मिली
एक मेरी मामा है और एक उनकी मामा है, अल्लाह के स्कूल।